Friends, welcome to easyfoodmaking.com. आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो शेक, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी है। मैंगो शेक बनाने के लिए हमने ये एक मैंगो लिया है, पका हुआ आम, इसको छील के कट कर लिया है। एक कप फुल हमने मिल्क लिया है, मिल्क ऑलरेडी ठंडा है, इसको हमने फ्रिज में रख दिया था। ये शुगर 2 चम्मच, जिसको हमने पीस लिया है, कुछ बादाम कटे हुए 3-4, ये गरी का चूरा है थोड़ा सा, लगभग 1/2 चम्मच, कुछ किशमिश, और ये हमने मैंगो को थोड़े से नूडल्स शेप में कट कर लिया है गार्निश के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। मैंगो शेक बनाने के लिए हम हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें मैंगो डालेंगे। पहले हम इसको ब्लेंड करेंगे थोड़ा सा। अब हम सारा मिल्क इसमें डाल देते हैं। मैंगो शेक रेडी हो गया है, अब हम इसको सर्व करेंगे। मैंगो शेक हमने ग्लास में निकाल लिया है। 2 लोगों के लिए हमने ये मैंगो शेक बनाया था, उतने में 2 ग्लास बन गया। अब हम इसका गार्निश करेंगे। सबसे पहले ये हम जो नूडल शेप में मैंगो कट किए हैं, इसको ऊपर डाल देते हैं थोड़े थोड़े। अब ये कोकोनट पाउडर, बादाम, किशमिश, आइस क्यूब, दूध और मैंगो दोनों ठंडा था, फ्रिज में था, इसलिए हमने आइस क्यूब एक एक ही डाला है। फ्रेश मैंगो शेक तैयार है। आप इसको एक बार घर पे बना के ट्राई कीजिए। आई होप आपको ये पसंद आएगा, और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारी डिश को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।